सो एल एन पी रिन्यूएबल सिस्टम के लिए आप सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग पीएडी इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोल सेट पर टॉपिक पर हमारा पीएलसी में कंट्रोल कर रहे हैं। एग्जाम के साथ आज हम लोग अब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। क्रिएट करने का तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो सब कुछ आज हम लोग देखेंगे। आज क्या क्या चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पीएडी कंट्रोल लूप मतलब क्या है, इसको किधर यूज़ करेगा, अगर आप पीएडी कंट्रोल में बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम में कैसे कैसे हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कौन सा चीज़ के लिए हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं, आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी इसको कैसे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आप ऑटो में एक पीएडी कंट्रोलर को एनेबल करने के लिए कोशिश करें इसके पहले मैन्युअली इसको कैसे ऑब्जर्व करने का, ऑटो में कैसे इसको कैलिब्रेट करने का, अगर माइक्रो स्टेप 7 सीमेंस सॉफ्टवेयर है तो उसको ओपन करके कैसे कॉन्फिगर करने का, डेल्टा आईएसपी सॉफ्टवेयर है ना उसको ओपन करके कैसे हमको कॉन्फिगर करने का, एंड इसके अलावा बहुत सारा एग्जाम्पल्स का साथ हम लोग क्या देखेगा आज। सो स्टैटिकली इसका पीएडी क्लोज कंट्रोल के लिए एक फॉर्मूला है, सो वो यूज़ करके कंट्रोलर आउटपुट को हम लोग कैसे स्टैटिक कंडीशन में आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं एंड डायनेमिक कंडीशन में इसको आउटपुट कैसे क्रिएट कर सकते हैं बोल के आज हम लोग देखेगा। सो पीएडी मतलब ये एक ही काम है, सो हमको क्या है इसको किस पर्पज़ के लिए इसको डिज़ाइन किया, सो हमारा आउटपुट को कंसिस्टेंटली है ना कोई भी आउटपुट मिलेगा उसको एग्जैक्ट आउटपुट में करेक्ट करके उसको भेजने का, यही काम पीएडी करेगा। मतलब क्या है, मान लो हमको आउटपुट 60% चाहिए कंसिस्टेंट काम के लिए, अभी क्या है हमको 58% मिल रहा है और तो 62% मिल रहा है, सो हमको क्या करने के इसको 62 वाला को कम करके 60 में भेजने का, अगर तो 58% में मिलने वाला को हमको एडजस्ट करके 60 में भेजने का, सो इसका सो हमको क्या करेगा ये प्लस और माइनस 2% और 4% है ना ये वैल्यू को एडजस्ट करके करेक्ट करके हमको राइट आउटपुट देने का, यही काम ये पीएडी कंट्रोलर करेगा, ठीक है। सो रेगुलर एग्जाम्पल है तो क्रूज कंट्रोल है, एक कार है हम लोग एक पहाड़ में जा रहे हो तो सो लोअर स्पीड में ही जा रहे, बट क्या है हमको इंजन से कंसिस्टेंट आउटपुट मिलने का ना, सो अभी क्या है आप ये 50% किलोमीटर स्पीड में आ रहे हैं, 60% में आ रहे हैं, 70% में जा रहे हैं, बट क्या है ये 70% में जाने का तो आपको कंफर्ट थोड़ा फील हो रहा है बराबर, एंड इसके अलावा एक टाइम में भी पहुंच रहे, सो इसके लिए क्या करेगा ये काम ये क्रूज कंट्रोल में, सो ये कंसिस्टेंट आउटपुट को समझ के उसके हिसाब से है ना कोई भी आप स्पीड दे दो वो बराबर रिक्वायर्ड स्पीड को कन्वर्ट करके बाहर भेजेगा, यही ये पीएडी कंट्रोलर का काम है। अभी आप बिल्डिंग ऑटोमेशन में है तो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ओके, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ओके, दैन पाइप्स में आने वाला फ्लो को कंट्रोल करने के लिए वाल्व का ओपनिंग एंड क्लोजिंग है ना, डैम्पर एक्चुएटर्स है ना हवा के लिए डैम्पर एक्चुएटर्स को हम लोग पीएडी लूप से कंट्रोल कर सकते हैं, अगर पाइप में हमारा वाल्व एक्चुएटर्स है ना उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो टेम्परेचर कंट्रोल में कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं, एग्जाम्पल हमारा सेट पॉइंट 70 है ठीक है, हमारा प्रोसेस वैल्यू तो 72 है, सो टेम्परेचर ज़्यादा है उसको कम करके 70 में लेके आने का, यही काम हमारा पीएडी कंट्रोलर करेगा। सो ये सेट पॉइंट के हिसाब से सो मिलने वाला प्रोसेस वैल्यू को ये क्या करेगा एडजस्ट करके हमारा आउटपुट को कंट्रोल करने के क्या क्या एक्शन है वो काम ये करेगा, अगर नहीं हमारे टेम्परेचर से कम है तो भी उसको इक्वलाइज करने के लिए काम ये करेगा। मान लिया अभी एक इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल में दे रहे हैं, अभी हमारा सेट पॉइंट तो 50 है, देखो ये क्या करेगा ये कंट्रोल में हम लोग प्रोग्राम करके रखा, अगर कोई भी आउटपुट है हमको मिल रहा है सो हमको एडजस्ट करके सेट पॉइंट का क्या है वो उसमें लेके आके रखने का, मान लो 40% आएगा तो भी 50% को लेके आएगा, 50 से ज़्यादा 60% में जाएगा तो भी है ना उसको लेके आएंगे 50%, देख लिए वीडियो देख लिए, सो 40% है उसको एडजस्ट करके 40% लेके आगे 60% मिलने वाला को एडजस्ट करके 50%, ऐसा ही है ना ए पी ए डी कंट्रोल लूप एस्टेब्लिश हो जाएगा। अभी देख लिए मैन्युअली कैसे इसको हम लोग ऑटो में एक कंट्रोलर को पी ए डी लूप को एनेबल करने के पहले मैन्युअली इसको एनालाइज करने का कैसे है, मान लो सेट पॉइंट हमको पता नहीं कितना रखने का ओके, प्रोसेस वैल्यू को इतना रखने का बोल के हमको पता नहीं क्योंकि वो तो एग्जैक्ट डायनेमिक आउटपुट है ओके, आउटपुट तो हमको अभी देख सकते हैं, सो अभी देख लिए पंप को ऑन ऑफ करके हम लोग आउटपुट में देख रहे हैं, अगर ऑन होने का टाइम है ना उसका आउटपुट 80% सूट हो जाएगा, बंद होने के टाइम नीचे जाएगा, सो ऐसे ऑन ऑफ करके है ना हम लोग मैन्युअली इसका आउटपुट कितना मिल रहा है बोल के बेसिकली हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है।
सो बहुत सारे टर्म्स को इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं। इसमें समझने वाला क्या आया है, कंट्रोलर के अंदर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव है हमारा आउटपुट। अगर मान लो इधर पंप है तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं फ्लो कंट्रोल है तो हमको डैम्पर वैल्व एक्चुएटर्स का हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर है तो हवा का कंट्रोल करने का, उसी जगह में डैम्पर एक्चुएटर को हमको मॉड्यूलेट करने का। सो ये क्या क्या चीज हमको कंट्रोल कर रही है वो आउटपुट में कनेक्ट हो जाएगा कंट्रोलर का, ठीक है। मान लो हमारा कंट्रोल कमांड 4 to 20 mA है तो उसको 0 to 100% में हमको स्केल करके रखने का, ठीक है। एंड एग्जैक्टली वो सच में वही है और है बोल के हमको एनालाइज करने के लिए हमको फीडबैक चाहिए ना। वो फीडबैक भी मान लो VFD को हमको कंट्रोल कर रहा था, VFD से हमको फीडबैक ले सकते हैं वो 4 to 20 mA बोल के रख सकते हैं। नहीं पंप को कंट्रोल करेंगे तो फ्लो कितना हो रहा है बोल के ना फ्लो ट्रांसमीटर से हम लोग फीडबैक ले सकते हैं। उस ये पूरा फीडबैक को हम लोग एज अ प्रोसेस वैल्यू बोल के बताएगा। सो फीडबैक के हिसाब से हमारा कंट्रोल है ना सेट पॉइंट का हिसाब से फीडबैक एंड हमारा सेट पॉइंट को मेंटेन करने के लिए हमारा फीडबैक के हिसाब से आउटपुट को कंट्रोल करेगा, यही काम PID करेगा। सो इसको हमको समझने वाला चीज है। कंट्रोलर आउटपुट मतलब CO है, सो ये हमको पता है। सो गेन कितना वैल्यू हम लोग देंगे तो ये एडजस्ट हो रहा है बोल के वही गेन है। एरर मतलब हमारा सेट पॉइंट एंड प्रोसेस वैल्यू में डिफरेंस है ना वही एरर है, ठीक है। सो ये पूरा टर्म्स थोड़ा पता चल जाएगा क्योंकि ये हम लोग हमारा कैलकुलेशंस में यूज करेगा। अगर Step 7 माइक्रो सॉफ्टवेयर में हम लोग PID विजार्ड को खोलेगा तो ये 8 चीज हमको कॉन्फिगर करने का। फर्स्ट कितना लूप्स है के लूप नेम क्या है, लूप में यूज करने वाला पैरामीटर्स क्या क्या है। अगर हम लोग लूप में इनपुट्स एंड आउटपुट्स डिजिटल है एनालॉग है, अगर एनालॉग है तो करंट आउटपुट है वोल्टेज आउटपुट है, ये सब चीज़ हमको कॉन्फिगर करने का। अगर मान लो हम लोग प्रेशर में मॉनिटर कर रहे हैं कुछ जगह में, ठीक है, हमको लो प्रेशर में आने का टाइम एक अलार्म रेज करने का, हाई प्रेशर आने का टाइम एक अलार्म रेज करने का, उसी जगह में हमको अलार्म का भी हम PID लूप में सेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये कोई भी चीज़ हम लोग दे रहे हैं ये सब चीज़ के लिए हमको मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा एंड सबसे लास्ट हमको जनरेट करने का PID प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स का, ठीक है। सो देख लिए ये PID विजार्ड है ना, देखने के लिए कैसे दिखाएगा बोल के एग्जाम्पल है। अगर ओपन करेगा तो ऐसा ही वाला आएगा, उससे हमको ये पूरा चीज़ है ना पैरामीटर्स को हमको इसके अंदर असाइन करना पड़ेगा एंड हमारा इनपुट है ना कौन सा टाइप बोल के एंड स्केलिंग भी करने का हमारा प्रोसेस वैल्यू का लूप सेटिंग्स में कितना परसेंटेज का अंदर हमको रखने का बोल के हमको रखने का है ना। आउटपुट पे भी है ना कौन सा टाइप है, ओके वो स्केलिंग्स क्या है उसका रेंज क्या है बोल के हमको रखना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में सब चीज़ के लिए मेमोरी भी हमको एलोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डेल्टा ESP सॉफ्टवेयर है तो सो नॉर्मल API बोल के एक ब्लॉक है उसको क्लिक करके PID बोल के हमको टाइप करने का, सो इमीडिएटली हमको S1, S2, S3, D मिलेगा। वो सब चीज़ को मेमोरी एलोकेट करने का, ये S1 है तो सेट पॉइंट है, ठीक है, S2 है तो प्रेजेंट वैल्यू है एंड D हमारा आउटपुट है, ठीक है। सो एग्जाम्पल 1 में हम लोग क्या एक कंडीशन में रख रहे हैं, क्या है पंप को बंद करके सिर्फ गेन 1.1 दे रहे हैं, सेट पॉइंट 10 रख रहे हैं, हमारा आउटपुट हम लोग खुद असाइन करवा रहे हैं 50 बोल के। अभी क्या है आउटपुट तो 50 जनरेट करने का बोल के हम लोग क्या करवा रहे हैं, ये कंट्रोलर को मैनुअल से ऑटो बोल के ऑटो मोड में रख रहे हैं। अभी क्या है हमारा सेट पॉइंट को मेंटेन करने के लिए हमारा आउटपुट के एडजस्ट करेंगे, देख लीजिए सिमुलेशन। सो हमारा आउटपुट तो 50 है, सो हम लोग गेन दे रहे हैं ना, इसके लिए क्या कर रहे हैं 50 से इसको 60 एडजस्ट करके आउटपुट दे रहे हैं। सो हम लोग कितना गेन दे रहे हैं कितना सेट पॉइंट दे रहे हैं उसके हिसाब से हमारा आउटपुट को ये कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या करवा रहा है, सेम है पंप को बंद करेगा, सिर्फ हम लोग सेट पॉइंट एंड हमारा गेन को है ना थोड़ा चेंज करके देखेगा, ठीक है। ये दोनों स्टैटिक कंडीशन है, ठीक है। सो ऑलरेडी फॉर्मूला बोला 50 है तो 50 प्लस 10 इंटू 1 दैट इज 50 प्लस 10 60%। सो इसके लिए हमारा कंट्रोलर आउटपुट को 50 से 60 चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। किसके हिसाब से हमारा एक्सिस्टिंग कंट्रोलर आउटपुट तो पता है 50 है, गेन कितना है 1 है, एरर वैल्यू कितना है सेट पॉइंट माइनस परसेंट वैल्यू दैट इज 10 - 0 इज 10, ओके। सो इसके लिए हमारा इसके हिसाब से हमारा कंट्रोलर आउटपुट चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी देख लिए इसमें क्या है, हम लोग गेन को चेंज किया, ठीक है, हमारा आउटपुट को क्या किया हम लोग 50% रखा, ठीक है, सेट पॉइंट वैल्यू कितना है 20 बोल के रखा। अभी देख लिए क्या हो रहा है, सो हमारा आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर 50 to 70% चेंज करने के लिए कोशिश कर।
सो एग्जाम्पल 1 एंड 2 में हम लोग एक स्टैटिक कंडीशन में देखा, पंप को बंद करके देखा। सो इसके लिए फ्लो ट्रांसमिटर से कोई भी फ्लो हमको नहीं मिलेगा, इसके लिए पीवी जीरो था दोनों कंडीशन में। अभी क्या है, हम लोग एग्जाम्पल 3 में क्या करवा रहे हैं, हम लोग पंप को चालू कर रहे हैं। सो इसके लिए हमको प्रेजेंट वैल्यू, प्रोसेस वैल्यू मिलने वाला है, वो भी 73% बोल के मिल रहा है। सो अभी क्या है, ये 70% थोड़ा ज़्यादा है, हमको एक सेट पॉइंट पे मेंटेन करने के, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट पॉइंट को 65 बोल के दे रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, हमारा कोई भी आउटपुट मिल रहा है। सो अगर प्रेजेंट वैल्यू 75 है, उसको लेके आके 69 ऐसा बोल के लेके आके कंट्रोल करने के लिए कोशिश करें। ऐसे ही नॉर्मली डायनेमिक कंडीशंस में ये प्रोसेस एंड इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर काम करेगा। देख लिए, 75 को लेके आगे 69 में लेके आ रहे हैं, ऐसे ही नॉर्मली पीआईडी लूप काम करेगा। ठीक है, ऑफसेट वैल्यू मतलब हमारा प्रोसेस वैल्यू एंड सेट पॉइंट का डिफरेंस है ऑफसेट वैल्यू। धन्यवाद, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। ठीक है, आपको हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। हम लोग डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमिश्निंग सपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन, बिल्डिंग ऑटोमेशन, मेट्रो स्टेशन में ऑटोमेशन एस्टेब्लिश करने का, आपका कॉलेजेस का ट्रेनिंग सपोर्ट चाहिए, आपका कंपनीज का ट्रेनिंग सपोर्ट चाहिए विद सर्टिफिकेशंस, हम लोग दे सकते हैं, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप गल्फ में काम करने के लिए जा रहे तो भी, आपको इसका बेसिस के बारे में आपको आइडियाज चाहिए तो भी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। इसके अलावा सोलर ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड एप्लीकेशन का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमिशनिंग सपोर्ट चाहिए तो भी, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बेसिक्स के बारे में आपको चाहिए तो भी, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।